हिसार की इतिहास में पहली बार होने जा रही है दोस्तों गैलप रेस, और साथ में होने जा रहा है मनोरंजन। नमस्कार दोस्तों, विलेज फोटोग्राफी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आकाश भाई। जिगर भाई, मैं तो आपको जानता हूँ, एक बार हमारी ऑडियंस को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जिगर अनिल भाई मेहता है जी। रहना मेरा तलियारा। तलियारा गंडेवी तालुका लगता है। गंडेवी लगता है, यानी ये वलसाड़ से आपका नजदीक ही है। हाँ, 22 किलोमीटर जैसा होता है इधर से। और ये आपको कैसे ख्याल आया कि हम एक कमेटी बनाए, और ये रेवाल की रेस तो हमारे दक्षिण गुजरात में होती है, पर इस बार आपने गैलप का भी सोचा है? तो ये गैलप का पहले ख्याल ऐसा आया कि पहले भरूच में भी रेस होती है, अभी सूरत में भी होती है, नवसारी में भी अभी स्टार्ट हो गई है रेस। तो वलसाड़ में पहले काफी टाइम पहले रेसर की रेस होती थी। रेसर यानी टांगा जो बोलते हैं। हाँ, टांगा उसकी रेस होती थी। वो काफी टाइम हो गया, वो बंद हो गई है। बंद हो गई है जी। तो हम काफी टाइम से हम तीन लोग सोचते थे कि अश्व प्रेमियों को इकट्ठा करें, घोड़ों को शौक बढ़ाए। तो इस हिसाब से हमने एक बार विचार किया, और ये विचार आज ये इतना बड़ा स्वरूप ले लिया है जी। दोस्तों, यहाँ लगभग 70-75 घोड़े तो हो गए हैं। 70-75 घोड़े हो गए हैं। रेवाल में तो खाली मनोरंजन ही रखा है। रेवाल में मनोरंजन है और गैलप की रेस रखी हुई है जी। जिगर भाई, ये कितने दिनों की मेहनत है? ये जो पूरा जो ट्रैक हमने देखा वो बहुत अच्छा, और अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ। ये मेहनत हमारी, सच बोलूं तो 3 दिन की है। 3 दिन में? 3 दिन की है। हम ये केविन भाई जो है वो जॉब करते हैं जीबी में इधर वलसाड़ जी। तो वो दोपहर को आते थे, मैं भी दोपहर को आता था जी, ट्रैक्टर वगैरह करके शाम को रात को निकलते थे जी। ये 3-4 दिन में हमने खड़ा किया हुआ है जी। और एरिया भी नया है, पहचान भी हमारी इतनी नहीं थी गांव वालों से। हाँ। तो भी कांटेक्ट करके गांव के लोग और सरपंच साहब ने आपको अच्छा सपोर्ट किया। अच्छा सपोर्ट किया। इधर मेरे मित्र भी है जो पॉलिटिशियन है। हाँ। तो उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया है। गैलप रेस में भी आप नकद इनाम देने वाले, ट्रॉफी और इनाम। हाँ जी। और लोगों को एक ही कहना है कि हम लोगों का एम ही है कि अश्व प्रेम बढ़े, अश्व पालक बढ़े, और इसीलिए हम ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तो हम तीनों का एक विचार था कि ऐसे अश्व मनोरंजन रखे। हाँ। तो ये विचार इस स्वरूप में इसीलिए आया। हाँ। कि एक बार सोचा कि बड़ा ही करते हैं। बड़ा। हाँ। हाँ। और बड़ा करने में क्या है कि हम पूरी सोसाइटी बनाने वाले हैं। हमने ये इसका नाम रखा हुआ है चेतक हॉर्स ग्रुप जी। चेतक हॉर्स ग्रुप जी। कैसे आपको लगा कि इसका नाम चेतक हॉर्स? ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने ये नाम रखा हुआ है चेतक। जी चेतक जी। ये आपके फ्रेंड, इनका थोड़ा? हाँ, ये फ्रेंड का परिचय देते हैं। हम तीनों लोगों ने ये पूरा आयोजन किया हुआ है। पहले तो मेरा नाम जिगर मेहता है। मेरा फ्रेंड है नीरल पटेल, उसको नीमू के नाम से घोड़े वाले जानते हैं सब लोग जानते हैं जी। और ये दूसरा फ्रेंड है केविन पटेल, केविन भाई। हाँ जी। ये तीन लोगों, यानी आपने तीन लोगों ने ही अभी आयोजन किया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने, पूरा सहयोग है सबका। हाँ। लेकिन विचार हमारा था। विचार आपका था। हाँ, जी। विचार हमारा था जी। और जिगर भाई, वैसे तो आपके यहाँ रेसर घोड़ों का ही शौक ज्यादा है इधर वलसाड़ में। वलसाड़ में? हाँ। वलसाड़ में। बाकी दक्षिण, पूरे दक्षिण गुजरात में तो बाकी रेवाल का ट्रेंड, रेवाल यानी सवारी का ट्रेंड ज्यादा रहता है रेवाल में। आज भी यहाँ रेसर की रेस होती है? नहीं, वो काफी टाइम हो गया। हाँ। बंद हो गई है। बंद हो गई काफी टाइम ही। तो ये आप जो ये पब्लिक देख रहे हैं जी, तो ये उत्साह काफी टाइम के बाद आपको दिख रहा है रेस का, है ना जी। तो हमारा ये पहला प्रयास है, पहला उसके प्रयास। बाद आगे हम उसका बड़ा आयोजन करेंगे जी। और इस ग्राउंड में आगे भी बड़द की रेस हो रही है, बैलों की रेस, बैलों की हर साल होती है। हाँ जी, उसका बड़ा आयोजन होता है। कच्छ से भी बेल आते हैं, कच्छ से भी आते हैं। यानी पिछले साल जब आप करेंगे तो ये सब पीछे होगा, साथ में है, साथ में, यानी एक दिन बैल की और एक दिन घोड़ों की रेस, ऐसा प्लानिंग है, देखते हैं जी। जी, विलेज फोटोग्राफी आपको धन्यवाद देती है। जिगर भाई, हमें बड़ा, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने स्पेशल विलेज फोटोग्राफी को बुलाया यहाँ। और आशु भाई, हम भी आपके बहुत आभारी हैं, हम तीनों आपके बहुत आभारी हैं कि आप अपना काम सब छोड़ के मेरे एक फोन पे इधर आ गए और हमको सहयोग दिया। हम तीनों आपके बहुत आभारी हैं इसके लिए। हमारा हमेशा सहयोग ही रहता दक्षिण गुजरात में, ताकि दक्षिण गुजरात में जो हमारा जो घोड़ों का जो ट्रेंड है वो हर नौजवान घोड़सवारी सीखे और घोड़े का शौक दिन पर दिन बढ़े। हाँ, हमारा भी यही है जी, कि हर
अश्व पालक बड़े जी हमारे एरिया में, वही एक हमारा एम है। थैंक यू जिगर भाई, जय हिंद। जय हिंद। दक्षिण गुजरात में होने वाली सभी रेसों का वीडियो भी आपकी अपने यूट्यूब चैनल विलेज फोटोग्राफी पे आएगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, आप खाली वीडियो को लाइक कर देते हैं पर कमेंट करके बताते नहीं हैं कि वीडियो कैसा बना है।